Then what is the output of given example? इस केस में simply array declaration part given the initial size as 5. Array के अंदर total elements कितने create होंगे इस केस में? Exactly 5 elements. लेकिन इस केस में initializer list के through total initialization कितने elements के लिए perform कराया गया? Only beginning 3 elements. तो first element में assign क्या होगा? Value as 5. Second element के केस में 10 and 15. ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था अगर इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन अगर कोई भी एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं किया था ना अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू ऑलवेज असाइन हुआ एज अ 0 रिमेनिंग प्लेसेस पर असाइन क्या कराएंगे वैल्यू एज 0 एंड 0 क्लियर इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशन ओनली नेक्स्ट में से ब्लॉक का नेम असाइन हुआ एज अ ए इज अ नेम ऑफ कंप्लीट ब्लॉक अगेन फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस 100 है इसको एक्सेस करने का अदर अप्रोच क्या हुआ आपके पास स्टार 100 सेम है स्टार 102 स्टार 104 6 एंड 8 प्लस इस लोकेशन का नेम ए है इसलिए इसको अदर नेम असाइन कर सकते हो जाए ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 एंड सो ऑन फर्स्ट केस फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करें फर्स्ट एक्सप्रेशन में प्रोवाइड क्या किया प्लस प्लस स्टार इट इज वैलिड ऑपरेशन फॉर एरे इसे एरे के केस मैंने आपको बोला था एरे नेम में कभी भी डायरेक्टली इंक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं अगर आप इस टाइप से इंक्रीमेंट प्रोवाइड करो इट इज इनवैलिड ऑपरेशन सेम एज प्लस प्लस ए इज ऑल्सो इनवैलिड ऑपरेशन लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट डायरेक्टली ए में अप्लाई किया स्टार ए इससे कुछ भी नहीं करना इस केस में सिंपली सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे मीन्स दोनों की प्रायोरिटी कैसे सेमसली सॉल्व करोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100 देन राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा स्टार 100 और स्टार ऑपरेटर फाइनली चेक करो ये इंक्रीमेंट किस लोकेशन में हो रहा है जिस लोकेशन का लॉजिकल नेम स्टार 100 से मैच हो रहा है स्टार 100 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट तो इसके इसमें इंक्रीमेंट किस प्लेस पर होगा वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्लियर यहाँ प्री अप्लाई करो या पोस्ट अप्लाई करो डजेंट मैटर क्योंकि रिजल्ट कहीं भी आपने असाइन नहीं किया है एंड फाइनली इस केस में जब इस प्लेस पर या स्टार 100 के लोकेशन में इंक्रीमेंट कराओगे तो इंक्रीमेंट का इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 6 क्लियर नेक्स्ट वन मोर थिंग इंक्रीमेंट किस में हुआ ए ऑफ 0 चेक कर सकते हो जस्ट मैंने राइट डाउन क्या किया था इस प्लेस पर प्लस प्लस स्टार ए दिस ऑपरेशन इज इक्वल एंड टू प्लस प्लस ए ऑफ 0 मीन्स ये ऑपरेशन जस्ट इक्वल एंड किसके प्लस प्लस ए ऑफ 0 हाउ चेक इट फर्स्ट वन अगर मैं इस प्लेस पर ए में 0 ऐड कराता हूँ तो इसका मीनिंग कैसा रहेगा सेम और चेंज मीन्स मीनिंग अभी भी कैसा दोनों की मीनिंग कैसे हैं सेम क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से एडिशन कराने पर या सब्ट्रैक्शन कराने पर कभी नंबर का इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं नेक्स्ट वन अभी टर्म्स क्या बन चुका है स्टार ए प्लस 0 मैंने जस्ट आपको प्रोवाइड किया गया था ए ऑफ आई इज इक्वलेंट टू स्टार ए प्लस आई मीन्स एनी टाइम ए ऑफ आई के प्लेसेस पर स्टार ए प्लस आई रिप्लेस करना पॉसिबल सिमिलरली स्टार ए प्लस आई को ए ऑफ आई से भी रिप्लेस कराना पॉसिबल दोनों मीनिंग कैसे सेम तो ये टर्म क्या बन चुका है फाइनली ए ऑफ आई देन प्लस प्लस ए के प्लेस पर क्या आएगा ए आई के प्लेस पर क्या आएगा जस्ट 0 इसलिए मैंने आपको बोला था दोनों ही टर्म्स कैसे एग्जैक्टली सेम इसे इनडायरेक्टली चेंजेस किस में हो रहे हैं ए ऑफ 0 क्लियर नेक्स्ट वन सेम एज इन सेकेंड केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा है प्लस प्लस स्टार ए प्लस आई अगेन आप अगर इसको रिजॉल्व करोगे स्टार ए प्लस आई किस केस में है अगेन ए ऑफ आई और आई के प्लेस पर क्या है 1 तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग किस केस में है इट इज सिमिलर टू ए ऑफ 1 मीन्स फाइनली इस केस में इंक्रीमेंट किस एलिमेंट में अप्लाई हो रहा है ए ऑफ 1 इंडेक्स ए ऑफ 1 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 10 इंक्रीमेंट का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 11 सेम है सेकेंड केस में भी इंक्रीमेंट किस में हो रहा है ऑल्सो ए ऑफ 1 एग्जिस्टिंग वैल्यू का 11 नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 12 नेक्स्ट केस में डिस्प्ले करा है वैल्यू ऑफ ए 0 ए 1 ए 0 में फाउंड क्या हो रहा है 6 तो फर्स्ट केस में आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा वैल्यू एज 6 सेकंड केस में ए ऑफ 1 के केस में क्या डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू एज 12